बैटरी लाइफ के साथ साथ चार्जिंग स्पीड भी अब बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम देने लगे हैं अपने स्मार्टफोन को, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड यस एंटरटेनमेंट। तो ऐसे में बैटरी ड्रॉप हो गई, बट डोंट वरी, फास्ट चार्जिंग है अपने पास। तीन स्मार्टफोन है 25,000 से 30,000 रुपए का, लेकिन तीनों स्मार्टफोन में आपको सॉलिड डिस्काउंट मिल जाएगा। बेहतर तौर पर कंपेयर करने के लिए तीनों स्मार्टफोन का मैं 8GB रैम वेरियंट का प्राइस बताऊंगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चार्जिंग। पहला स्मार्टफोन है अपना पोको A4 5G। वैसे तो इसका 6GB वेरियंट भी मिल जाएगा, लेकिन 8GB 128GB वेरियंट का प्राइस है 29,999 रुपए। 3,000 रुपए आपको बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा और 1,000 रुपए प्रीपेड फ्लिपकार्ट पे। 8GB 128GB आप परचेस कर सकते हो 26,000 रुपए में। ये है Realme 9 Pro Plus, अगेन 8GB 128GB वेरिएंट का प्राइस है 26,999 रुपए, लेकिन आप इसे खरीद सकते हो ओनली 21,499 रुपए में, यानी 5,500 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। 4,000 रुपए प्रीपेड, यानी आप कैसे भी ऑर्डर करो, प्रीपेड ऑर्डर करो, आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और 1,500 रुपए बैंक डिस्काउंट। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं Realme 9 Pro Plus का, अगर आप 6GB रैम वेरिएंट परचेस करना चाहते हो तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि 8GB रैम वेरिएंट पे डिस्काउंट चल रहा है। एंड तीसरा स्मार्टफोन है iQOO Neo 6, 8GB रैम 128GB वेरिएंट 29,999 रुपए। 3,000 रुपए आपको बैंक डिस्काउंट मिलेगा और 1,000 रुपए का कूपन Amazon पे, यानी 26,000 रुपए में iQOO Neo 6 8GB 128GB वेरिएंट परचेस कर सकते हो। Poco A4 5G एंड iQOO Neo 6 को पावर दिया है Snapdragon 875G प्रोसेसर ने, Realme 9 Pro Plus को Dimensity 920 ने। Poco एंड Realme में 4,500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, एंड iQOO में थोड़ा सा ज्यादा 4,700 mAh। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो Poco ऑफर करता है 67W का फास्ट चार्जिंग, Realme 9 Pro Plus 60W का, एंड iQOO 80W का। तीनों स्मार्टफोन Android 12 बेस्ड OS पे रन कर रहा है। तीनों स्मार्टफोन का बैटरी मैंने खाली कर दिया, लेकिन स्टार्ट करने पे Realme 9 Pro Plus ऑन हो जाता है, लेकिन फिर ऑफ हो जाएगा। देखा, मैं सच बोल रहा था। तीनों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर मोर लेस सेम दिखा, 32 डिग्री के आसपास। तीनों स्मार्टफोन को मैंने उसके ओरिजिनल अडैप्टर और केबल से कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चार्जिंग। जैसे ही हम चार्जिंग स्टार्ट करते हैं Realme 9 Pro Plus ऑन हो जाता है, लेकिन बाकी दोनों डिवाइस को हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा। एक और बात, Poco A4 5G 0-1% होने में, यानी 1% चार्ज लेने में थोड़ा सा टाइम लेता है। वाओ, iQOO को देखो, तेज भाग रहा है, 15% चार्ज हो गया 4 मिनट में। इस 5 मिनट के चार्जिंग पे Poco A4 5G ओनली 9% चार्ज हुआ, Realme 9 Pro Plus 14% एंड iQOO Neo 6 17%। तीनों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास था, एंड 5 मिनट के चार्जिंग पे ही तीनों स्मार्टफोन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, बट Realme 9 Pro Plus का थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। Poco ने पिकअप ले लिया, 10 मिनट चार्जिंग के बाद Poco एंड Realme 9 Pro Plus दोनों 26% चार्ज हो गया, यानी बराबर, एंड iQOO Neo 6 32%। 15 मिनट iQOO Neo 6 46% चार्ज हो गया, Realme 9 Pro Plus एंड Poco 38% सेम। iQOO Neo 6 50% चार्ज हो गया 16 मिनट 20 सेकंड्स में, एंड Realme और Poco अभी 41% चार्ज हुआ है, यानी अगेन सेम चल रहा है दोनों। 20 मिनट के बाद Poco 49%, Realme 9 Pro Plus 48% एंड iQOO Neo 6 60% चार्ज हो गया। तो Realme फिर से थोड़ा सा आगे निकल गया, 50% चार्ज कंप्लीट कर लिया 21 मिनट 10 सेकंड्स में, एंड Poco A4 5G ने 21 मिनट 18-20 सेकंड्स के आसपास लिया 50% चार्ज कंप्लीट करने में। एक बात बता दूं, मैं एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ चार्जिंग के लिए। अगर आप डायरेक्ट प्लग इन करके चार्ज करो तो हो सकता है आपका डिवाइस 2-4 मिनट पहले चार्ज हो जाए। अगर चार्जिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना आपके लिए, तो iQOO Neo 6 को देख लो, 28 मिनट में 80% चार्ज हो गया। फास्ट चार्जिंग में हीटिंग की अगर बात करूं तो Poco का बॉडी टेम्परेचर 38-39 डिग्री के आसपास दिख रहा है, Realme का 40 डिग्री, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, एंड iQOO Neo 6 सबसे ज़्यादा फास्ट है चार्जिंग में, एंड बॉडी टेम्परेचर सबसे कम दिख रहा है 37 डिग्री के आसपास। एंड 30 मिनट में iQOO 85% चार्ज हो गया, Poco 70% और Realme 68%। फिर से Poco निकल गया आगे, Poco ने 80% चार्ज पहले कंप्लीट किया 35 मिनट 20 सेकंड्स में, Realme 78% पे दिख रहा है। 35-36 मिनट iQOO Neo 6 99% चार्ज हो गया। तो गाइस ठीक 1 मिनट 10 सेकंड्स के बाद, यानी 37 मिनट में फुल चार्ज हो गया iQOO Neo 6। गाइस 40 मिनट चार्जिंग के बाद अभी भी Poco थोड़ा आगे दिख रहा है, 88% चार्ज हुआ है, Realme 86%, Poco 90%, 41 मिनट 35 सेकंड्स में, 46 मिनट 24 सेकंड्स, 95% Poco, 93% Realme। गाइस 51 मिनट 15 सेकंड्स में 99% चार्ज हो गया Poco एंड Realme 97%, एंड Poco 53 मिनट 40 सेकंड्स में फुल चार्ज हो गया।
फाइनली 50 सेकंड्स के बाद यानी 54 मिनट 50 सेकंड्स में 100% चार्ज हो गया Realme 9 Pro Plus। 50% चार्ज कंप्लीट करने में पोको ने लिया था 21 मिनट 20 सेकंड्स, Realme 9 Pro Plus थोड़ा सा आगे था 21 मिनट 10 सेकंड्स लिया था एंड आइको ने लिया था 16 मिनट 20 सेकंड्स। 80% चार्ज कंप्लीट करने में पोको ने लिया था 35 मिनट 20 सेकंड्स, Realme 9 Pro Plus फिर थोड़ा सा पीछे हो गया था 36 मिनट 30 सेकंड्स लिया था एंड आइको ने लिया था 28 मिनट। एंड 90% चार्ज कंप्लीट करने में पोको A4 5G ने लिया था 41 मिनट 35 सेकंड्स, Realme ने 43 मिनट्स और आइको नियो 6 ने लिया था 31 मिनट 55 सेकंड्स। एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता दूं, 90 से 100% यानी फुल चार्ज होने में पोको और Realme ने 12 मिनट लिया था लेकिन आइको नियो 6 ने 5 मिनट। हीटिंग की अगर बात करो तो पोको में मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा 38 से 39 डिग्री के आसपास, Realme में 40 डिग्री यानी थोड़ा ज्यादा एंड आइको नियो 6 में सबसे कम 37 डिग्री। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो किसी भी एंगल से आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।